कुछ हमारे जमाने में भी उठ गया, उसमें जो लॉ है जो वो भी मिसाल यार आपको देता हूँ, मिसाल देता हूँ। कल मैं अपने रावदी साहब की तकरीर सुन रहा, बड़े शौक से सुन रहा, बड़े आलिम जो है तुम्हें सुन रहा, तो फरमा रहे थे गुलामी पे अपने को राय दे देते। मैं दिल में बैठा हुआ जिस क्या यार कोई अभी कोई अच्छी सी आर्गूमेंट देंगे देंगे, वो मतलब मिसालें जो दे रहे थे ना, ऐसे लगता था कि उन्होंने गुलामी बारे कुछ नहीं जाना है। कुछ अब कुरान हकीम में एक बात वाज है कि अल्लाह ने गुलामी को ख़त्म नहीं किया, बरसों तक चलती रही, मुसलमान हुक्मरानों के ज़माने में चलती रही, हत्ता उमर बिन अब्दुल अजीज को मसला करते इस तरह कि जी अब गुलाम मुसलमान भी हो गए, फिर दूसरा ये शर्त भी रखी। क्वेश्चन ये है कि जी ख़त्म क्यों नहीं हुई, वैसे कोई आप जो मर्जी एक्सप्लेन कर लो मगर कुरान ने ख़त्म तो नहीं किया। कोई वाज़े ऐसा कानून तो नहीं है कि अल्लाह ताला कहे अपने बंदों को कि तुम गुलामी के ख़त्म करने के लिए कोशिश करो या इसे ख़त्म कर दो। हाँ ये कहा जाए कि जी अल्लाह ताला ने गुलामों के लिए बेहतरीन सलूक का बंदोबस्त किया और खिदमात का, और ये कहा कि जी बेहतर है कि तुम उनको आज़ाद करो, बहुत बड़ा सवाब रखा। ग्रेजुअली सोसाइटी वॉज मूविंग टूवर्ड्स दिस वे कि जी गुलाम रखना गुलाम ना रखने से ज़्यादा मुश्किल है। सो मुसलमान जो खौफ खुदा रखते होंगे छोड़ देते होंगे गुलामियों को, गुलाम ये सारा होगा। मगर यार एक मामूली सी बात किसी को नहीं समझ, मैं उनको कैसे अब स्कॉलर तस्वर करूँ कि एक वक्त हो खुदा एक सदी का खुदा नहीं है, पहले भी वही खुदा रहा है हजारहा वर्षों तक, आगे भी वही खुदा है। और खुदा ने जब भी गुलामी का जिक्र किया बतौर सजा किसी उम्मत की गुलामी का जिक्र किया तो उसने कहा कि मूसा मैंने मुनासिब समझा कि कौम आलिम को रुसवा करूँ, खुदा इनको तबाह करूँ। इन मगरूर कौमों को जब सजा दी तो हज़रत यहूदियों को जब पैगंबरों के कत्ल करने की सजा दी तो कहा कि इनकी बेटियां जिंदा रखी जाएंगी और इनके बेटे कत्ल होंगे। बेटियां जिंदा रखने का क्या मतलब है कि ये गुलामी बनेगी, इनकी इज्जत को ठेस पहुँचेगी, यानी खुदा के अजाब का एक तरीका कौमों को गुलाम बनाना भी है। ऑब्वियसली पहले ये चलता रहा और अब तक चल रहा है। मैं क्वेश्चन ये मेरा बेसिक क्वेश्चन मेरा कौन शख्स है जो ये कहेगा कि गुलामी आइंदा नहीं आएगी, कौन जो खुदा की जगह है आइंदा आने वाली सेंचुरीज को जानता है और ये समझेगा कि आज अगर 21st सेंचुरी में तुमने गुलाम नहीं रखे हुए। मैं इसको इसके साथ भी नहीं ज्वाइन करता पॉलिटिकल स्लेवरी इकोनॉमिक्स, नो नो आई एग्जैक्टली टॉक ऑफ स्लेवरी एंड आई से हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता है कि अल्लाह कल को जब ये दुनिया और उखाड़ पिछाड़ करेगा बर्बाद करेगा तो कल को फिर गुलामी और आकाई का दस्तूर न शुरू कर दे जो अपने इज्जत वाले बंदों को और उन लोगों को जो उसके खिलाफ जाएंगे या जो बुत परस्त होंगे या जिल्लत वाले होंगे, अल्लाह उनकी सजा गुलामी में ना रखे, अल्लाह को कौन जानता। तो द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि नोबडी नोज लाइक गॉड एंड अल्लाह इज नॉट अ गॉड ऑफ वन सेंचुरी या वन पार्ट ऑफ अ सेंचुरी, ही नोज फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। फ़र्ज़ करो अगर क़यामत तक आगे आने वाले बरसों में अगर 10 दिन भी किसी कौम की गुलामी के हैं तो खुदा की आयत कायम रहेगी, उसने वही रहना है, उसको कहीं नहीं जा सकते। ये एक सीधा साधा सा असूल था जो हमारे बेशतर उलमा को कभी समझ नहीं। तो बहुत सारे मसाइल पे हमारे जो टीचर्स की जो अप्रोच है इंतहाई लोकल, अब वो कह जी लौंडी का इस्तेमाल होने का, लौंडी के इस्तेमाल व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, लौंडी का इस्तेमाल में क्या दखल है तुम्हारे उस सारे मसले का, लौंडी का इस्तेमाल तुम लौंडी छोड़ दोगे अगर उसके इस्तेमाल की ना आयत लिखी होती। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट लेट्स बी वेरी करेक्ट, लेट्स बी वेरी फैक्चुअल कि अगर कोई जंग हो और तुम्हारी औरतें लौंडियां बन जाए तो लोग उनको छोड़ देंगे, इसलिए कि खुदावंद करीम का हुक्म नहीं है इसलिए छोड़ देंगे, या वो तुम्हें छोड़ देंगे जो तुम्हारे कुरान पे यकीन नहीं रखते वो तुम्हें छोड़ देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद करीम को पुराने पुराने अंदाज जंग में इन्वॉल्व नहीं है, ये आज भी होगा कल भी होगा, फातह जब भी जाएंगे
अभी कल की बात है 1857 के बारे में ये लिखा हुआ है, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया है तो 70,000 शराफा औरतों ने कुओं में कूद के जाने इसलिए ली, दे डिडंट वांट टू बी पोल्यूटेड और मोलेस्टेड बाय द गोरखास, वो जो साथ आए। मसला बड़ा सादा सा है कि अल्लाह ताला ने कहा है, अम्मा मालिक कहता है माने, जिस चीज के तुम मालिक हो उसके इस्तेमाल पे कोई दलील नहीं। अगर तुमने एक घर पे कब्जा कर लिया, उसके सामान पे कब्जा कर लिया, उस औरत पे कब्जा कर लिया, उस मर्द पे कब्जा कर लिया, वो गुलामी के स्टेटस पे, अब वो मर्द जिस पे आपने कब्जा किया है क्या वो आपके लिए लकड़ी ना काटेगा, क्या आपके लिए चूल्हा ना जलाएगा, क्योंकि उसका रिस्क क्या है, गोली मरना। डू थिंक वो अपनी जान बचाने के लिए आपकी डिक्टेशन कबूल नहीं करेगा, करेगा ना, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत में चला गया। क्या वो औरत जो है जिसको आप बड़ा इस वक्त ने बड़े क्वेश्चन करके रोमांटिक कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हो, गैर तहजीबी समझ लो, उसके पास खाना खाने का चांस हुआ और उसके पास अपना वो जिंदगी गुजारने का चांस हुआ, तो डू यू थिंक शी विल रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद यू इन सेक्स जस्ट बिकॉज लिखा हुआ आया? ये हो नहीं सकता, ये इलॉजिकल से क्वेश्चन है और इम्पॉसिबल से क्वेश्चन है, खुदा न करे, मगर ये तभी निकलते हैं जब ह्यूमन कॉन्डक्ट जो है अपने पूरे कमाल को पहुँचते हैं। उसका सिंपल आंसर यस, वट एवर गॉड हैज सेड इज ट्रू, इंसान भी वैसे ही करेंगे जैसे अल्लाह करता है, इंसान बिहेवियर डबल नहीं हो सकता, ये मुखालिफ नहीं हो सकता, अल्लाह इंसान बना बैठा है, उसको पता ही क्या करेगा, इसी के मुताबिक उसने हुक्म दिया। सर ये आपकी माशाल्लाह तशरीह तो खैर वो सही है तस्लीम, हजरत उमर फारूक के इस कॉल से नहीं टकरा रही कि माओ ने जिन्हें आजाद जना है तुम उन्हें गुलाम कैसे रखते जी? उसमें हमें जो सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम हजरत उमर की उस सिचुएशन का है कि माओ को तो उसने आजाद जना है मगर हजरत उमर का गुलाम भी मौजूद था, और ये गुलाम दरअसल उन सिचुएशंस के लिहाज से फर्क पड़ जाएगा। हजरत उमर यहाँ आजाद लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने लोग हजरत माविया से मिलने जाते थे या कोई डिमांड लेके जाते, कोई ख्वाहिश पूरी करने जाते, और वो आगे से दरबार उन्हें मिलने नहीं देता था। ये अगर उस सूरत में गुलाम भी जाता तो ये डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द कैलिफ है या उस अमीर को है कि तुम्हारा काम तो गरीब अमीर सबको एक तरह डील करना है, मगर यहाँ तुमने उनको कैद में रखा हुआ, तुम लोगों के मसाइल नहीं सुनते हो। वहाँ अगर गुलाम भी जाएगा तो उस पर भी यही कॉल आ सकता कि माओ ने तो इनको आज़ाद जना, क्योंकि उस बादशाह के लिए गुलाम के हुकूक का तहफ़ वैसे ही है जैसे इस्लामिक स्टेट बता रही है, और अमीर का तहफ़ भी वैसे ही है। तो अगर वैसे देखा जाए तो मैं तो किसी आज़ाद आदमी को आज़ाद नहीं समझा, मैं तो वॉल्टेयर और रूसो के भी इस कॉन्सेप्ट पे इतराज है, कोई आदमी आज़ाद नहीं पैदा होता, वो आखिर किसी ने माँ बाप का पैदा होता है, आखिर किसी सोसाइटी का पैदा होता है, सारे असरात ले कर पैदा होता है, फिर कुछ आप एक्वायर करते हैं। तो ऑलरेडी आई हैव सेड इट इन सम मेनी लेक्चर्स के आदमी पर तीन असरात होते हैं, एक तो जेनेटिक्स होते हैं, एक उसके पेरेंटल होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं, तीन असर होते हैं। मगर यहाँ मुराद ये है कि जब कोई शख्स आपसे मिलने जाता है दरख्वास्त लेकर, मेरा जो रोल है वो सबके लिए इसी तरह यकसा है, मेरा रोल ये है कि मैं किसी को धतकारना नहीं है, मैंने हर एक की अपील, वहाँ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका मतलब मैं कुछ लोगों को गुलाम और कुछ को आज़ाद समझूँ, उसका असल मतलब ये है। नॉलेज है उसकी लॉजिकल फाउंडेशन भी हैं और क्या उसको कुरान और सुन्नत उसका इस्तेमाल इस्तकरार और इस्तेमाल किया जा सकता है? वह जब पर्सनली मुझे चेक करना होता है तो मैं तो यही देखता हूँ कि कोई कुरान के मुखालिफ राय तो नहीं है या कोई हदीस के मुखालिफ राय तो नहीं है, और बड़ी 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 डिटेल से देखता हूँ, तो शायद कुछ पर्सनल आदात के जो शायद मुझे ख़िलाफ़ नज़र आती हैं कभी कभी, और उनकी अमेंडमेंट शायद कभी मुमकिन होती है, मगर दर से सिगरेट ही पीना फर्स्ट तो मैं आपको बताऊँ, तो चूँकि लकीली फॉर मी एंड फॉर मैनी ऑफ सच अपसेट पीपल्स को वाज़े चूँकि इसका वो हिदायत नहीं है,
और इसको किसी मसले में हराम व हलाल में शरीक नहीं किया गया, मकरूह मकरूह तंज़ीह में शुमार नहीं किया गया, तो हम चांस ले लेते हैं। मगर बाकी मामला में तो एहतियात करने या उसमें देखो जी, उसमें कोई मैं तस्दीक तो ये नहीं कह सकता, मगर उसमें आपसे ये कह सकता हूँ कि दिस इज माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट एंड पीपल आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। माई ओपिनियन एक मैं राय है, मैं इसके कतन में तो बल्कि बहुत सारे मसाइल में जब कुरान में भी राय देने लगता हूँ। मेरा ख्याल एक लेक्चर था मेरे लाहौर में, मैंने कॉस्मोस पे ओपिनियन देनी थी, तो मैंने पहले कहा था कि आपका एग्री करना लाजम है, दिस इज अ व्यू पॉइंट ओवर हियर कि आई विल ऑलवेज एक्सपेक्ट के सम गुड थ्योरिशियन इन फिजिक्स आर सम वेरी गुड स्कॉलर इन जेनेटिक्स कैन राइज टुमारो and say, Professor, you were wrong, the fact is like this. So I have to agree, मैं कहा ठीक है, हम इसमें जो guess work करते हैं ना वो इतना against the general opinion नहीं हो जाए, against confirmed opinions नहीं होना चाहिए। For example, अगर ज़मीन गोल है और एक आदमी उठ के ये opinion दे कि नहीं ज़मीन चपटी है, तो वो और किस्म की opinion समझी जाएगी। इसकी वजह यह है कि हजारों बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो सुबह शाम टीवी पर जमीन देख रहे हैं और वो गोल देख रहे होते हैं। अब आप एक आदमी उठता है कि मुझे रिलीजियसली बताया गया कि जमीन चपटी है, तो वो बड़ा फजूल सामने हो गया। सो आई डोंट थिंक दैट इज क्वेश्चन। यह है कि अगर कोई नई चीज है जिसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकती है, अगर रिलीजियस ओपिनियन कोई नहीं है, तो वी कैन फॉर्म एन ओपिनियन जस्ट लाइक ऑल अदर पीपल फॉर्म theoretically, and we can inform people, well, this is the way we look at things. But जैसे ये इल्म है जो आप बात कर रहे हो, जैसे इसके ऊपर तो मैं नहीं समझता कि कोई मखलूक खुदा को कोई इस किस्म का चैलेंज दिया जा सकता है या लिया जा सके, दिस इज माई ओपिनियन। हाँ, अगर कोई और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकल आए जिससे लोग कहेंगे इससे ज़्यादा एग्जैक्ट और ट्रू है, और वो कहेंगे वो सब आप गलत हो, हमें तो इस तरीके से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती। अच्छा सर, अगर कोई अपना नाम आगे को गलत बता देता है नाम, सपोज तो उस नहीं, तो फिर उसकी वो, आप उसको जजमेंट कैसे देंगे? आप उसकी शक्ल भी तो देख रहा होता हूँ। अच्छा, अगर मेरे सामने आके कोई बताएगा तो ऐसे फजूल याद करते रहे, क्योंकि जो कुछ मैं उसे बताऊंगा वो उसके बारे में सच होगा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। फिर आप फेस रीडिंग पे चले जाएंगे उसकी? दो दर्जात फिरासत मुख्तलिफ होते हैं ना, एक तो जो है फर्स्ट तो मैं ना देखूं और बताऊं, तो उसमें फिरासत जो है ना फेस तो शामिल नहीं होगी, मगर जब सामने होगा तो वो खुदूर कोशिश कर रहा है, मुझे तो उस मैंने उसको देख लिया, देखना तो रुतबा ज़रा ज़्यादा होता है। इसलिए लोगों को आप कहते हैं कि कुछ लोगों को कहते हैं कि आप उनको उनको ले आए। हाँ जी, वो बाल का जो इस वजह से होता है कि जी बाल का हम जब दाम देखते हैं तो बाल देखने के तो यार इसकी जो इंटेंसिटी है किसी चीज़ को देखने के लिए, बेसिकली फरासत जो है पुराने उलूम में चेहरे पे जाती है, फरासत का जो माखज है वो चेहरे के फीचर्स हैं, बल्कि हाथ पाँव के फीचर्स में, हाथ में यानी वो पूरे के पूरे फीचर अपनी बॉडीज पे जाती है फिरासत, जो नज़र की फिरासत है। ये जिससे मैं काम ले रहा हूँ ये अकल की फिरासत है, ये उसकी नज़र की नहीं, ये रिफाइनमेंट जो है जहनी है, मगर जब दूसरा फेस देखा जाएगा तो वो उससे थोड़ा बढ़ के है, मगर हम कहते हैं कि वो धोखा दे सकते हैं। अगर आदमी कंसील करने आया है अपने आप को, देखो ना अभी साइकोलॉजी में एक स्केल लगाते हैं सारे कुछ, हम लाई स्केल कहते हैं, लाई स्केल को अगर पहले से आप जानते हो तो बड़ी सफाई से लाई स्केल को धोखा दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि लाई स्केल में ये 10 क्वेश्चन होते हैं और आप उन्हें चेक कर रहे हैं, आप उन सवालों को बदल जाएंगे, उनके जवाब बदल जाएंगे, तो लाई स्केल बेचारा क्या करेगा? सो व्हेन वी आर विच ये इतना डायरेक्ट होता है कि अगले बंदे को लाई का सहारा लेने तक झूठ बोलने की होती नहीं, गुंजाइश नहीं होती, इसलिए 100% सच्चाई तक पहुँचा, 100% तो नहीं बस जितनी अमकान है सेहत का उतनी तक। लेकिन सर आप कहते हैं कि जी अगर किसी का नाम लिया जाए कि उसकी तस्वीर दे दें तो हम कहते हैं वो नहीं पड़ेगा, इसका क्या मतलब? रेजिस्टेंसेस की वजह से बाद अस्मा में टॉप रेजिस्टेंस, कुछ एज और रेजिस्टेंस की वजह से, पर्टिकुलरली एज
उसमें माहौल एज और मशागल की जो होती है हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे लोगों ने तस्बीह पढ़ी है जिनके मेरे ख्याल में कि वो नहीं पढ़ेंगे फिर भी पढ़ते हैं, बल्कि आज की जब मैं जनरेशन देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस नस्ल को बख्श दिया। यकीन जानो कि आज के जवान जब देखता हूँ, मैं ये लड़के देखता हूँ तो मुझे इनसे बहुत उम्स पैदा हो जाता है, क्योंकि बहुत ही लोग जवानों ने इस अंदाज में तस्बीह शुरू की है और जिस अंदाज से उन्होंने खुदा को चाहा है हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। सर लेकिन आप तो पर्सनैलिटी के बारे में बताना या बाकी आदात, आप ड्रीम्स के बारे में भी एक वो किताब भी लिखी है एक औरत ने कि उसको टेलीफोन पे आप उसके ख्वाब के बारे में भी बता रहे हो और वो शॉक होती है, तो ड्रीम्स के बारे में किस तरह जो ना आपकी वो यार बात ये है कि जब आदमी को खब तो ना पढ़ने लिखने तो हर चीज़ ही पढ़ लिख लेता। मेरे ख्याल में इस मामले में खबती सा था, वो इतना खबती था कि मेरा सड़क के किनारे को मैथमेटिक का भी किताब का पर्चा पड़ा हुआ है ना तो मैं उठा के पढ़ लेता था। नेचुरली आप देखो ना, मैं छोटी सी मिसाल, आई वॉज वेरी यंग परहैप्स मैट्रिक में था तो मैंने असातिरुल अव्वलीन भी पढ़ी हुई थी, लिस्म भी शायद पढ़ी हुई थी, वो आठवीं में पढ़ी हुई थी, इसके साथ साथ बुखारी शरीफ भी पढ़ी हुई थी, इसके साथ हैवला कैलिस का सेक्स लिटरेचर भी पढ़ा हुआ था। तो ये बहुत मुद्दत तो एक बहुत बड़ा खला था ना, जो उसमें हर किस्म की चीज़ अपनी अपनी जगह पर। तो बाद में जब थोड़ा मैं बड़ा हुआ यानी इन माई ग्रेजुएशन, तो मैं अक्सर अपने आप को कह रही यार मैंने क्या ये बेवकूफ़ों वाला काम किया कि हर जगह कुछ न कुछ गंद तरक पड़ा हुआ है, जो थे कुछ अच्छी चीज़ें भी पड़ी हैं। अब आके मुझे ख्याल होता है कि यार दैट वॉज ऑल नीडेड, दैट वॉज ऑल नीडेड, क्योंकि जो वैरायटी जो डील कर रहा हूँ मैं, जो मुख्तलिफ अहबाब की दोस्तों की, उससे मुझे एहसास होता है कि उसका एक एक लफ्ज़ ज़रूरी था। अब सर ये जो आप अल्फाज जो नाम होते हैं इसकी भी आप कैटेगरीज आगे देख रहे होते हैं, जैसे सुबान नाम है या जैसे टूटा हुआ नाम है, ये तीन हिस्सों में है, अहमद दो हिस्सों में है, इस तरह ये भी आप देख रहे होते हैं, इसका भी कोई इफेक्ट होता है बंदे के ऊपर? हर सिंगल सिलेबल देख रहा होता, अच्छा हर सिंगल सिलेबल देख रहा होता हूँ, उसकी उम्र मुद्दत देख रहा होता हूँ, उसके टाइम इफेक्ट देख रहा होता हूँ, उसके जो प्रेजेंट इफेक्ट, उसके पास्ट इफेक्ट देख रहा होता हूँ, ये कि एक आदमी किस मेंटालिटी से शुरू करेगा, किस रुझान तक पहुँचेगा, सारे देख रहा होता। मतलब सर ये विद इन अ वो सेकंड आप स्टेटमेंट दे देते हैं जो सेकंड भी ज्यादा, तो ये स्पीड नहीं है, इसको इस स्पीड में नहीं काउंट किया जा सकता। मुझे नहीं पता ख्याल की रफ्तार क्या है, मगर 186,000 मील तो फी सेकंड तो रोशनी की रफ्तार है और ख्याल भी तो रोशनी की तरह, शायद इसकी स्पीड ज्यादा हो मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे काम शायद मे बी मिलियंथ ऑफ सेकंड में हो जाते हो, मगर फिर उनको लफ्ज़ देने में टाइम लगता है। गालिबन आपके कंप्यूटर जो है जिस तरह आप काम कर रहे होते हैं ना, आप देख रहे होते हैं कि इसकी टाइमिंग कैसे बढ़ाई जाए। बाद कंप्यूटर इसलिए बुरे लगते हैं कि ये स्टार्ट ही बड़ी देर बाद होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसे टाइम दे रही है जो 3 मिनट के बाद ही आएगा। जितनी मेरा ख्याल है कंप्यूटर भी इस इंतहा को पहुँच रहे हैं कि उधर आपके मुँह से लफ्ज निकले और उधर उसका जवाब आ गया, ये भी इस इंतहा को जाएगा, आपने तो कल पहुँच जाएगा। जिन यो जो स्पैन है ना, स्पैन टाइम का वेटिंग कम करना, इंसानी जहन की वेटिंग को कम करना, मेरे ख्याल कंप्यूटर का बहुत बड़ा कमाल होगा। और ये टिक टिक से भी नहीं जाता सर, डायरेक्टली हमें से, मुझे यकीन है इंशाल्लाह 2-4 साल तक आप जुमला बोलोगे और कंप्यूटर आपको नतीजे निकाल देगा। कुछ बड़ी चिड़चिड़ाहटी होती है, आप यहाँ दबाते हो इसके बाद इंतजार करो कब ऑन हो कब खुले, इतना इंतजार दिमाग नहीं करता, वो खुला होता है, वो हर वक्त खुला होता है, जब सो रहा होता है तो भी खुला होता है।
तब किसी और काम लग जाता है, असीम ख्याल होता है। प्रोफेसर, खुरूज के बारे में जो शरायत हैं बड़ी सख्त हैं कुरानों के खिलाफ, खुरूज जो है, और क्या वो जो शरायत हैं उनकी बुनियाद पे ये एडवांटेज कुरानों का नहीं है कि अगर वो गलत काम भी करते रहे तो आप खुरूज नहीं करते? खुरूज की नौयत ये नहीं है, खुरूज की नौयत ये है कि मुस्लिम जो है, मुसलमान जो है, उम्मत की उम्र अफराद की उम्र से ज़्यादा होती है। इसलिए अगर उम्मत किसी को नालायक और गैर फित्री हुक्मरान समझती है तो हदीस ये कहते हैं कि यू कैन वेट टिल दे गो ऑफ, मगर अगर आप जल्दी करोगे तो ये डैमेज कर देगा, पूरी उम्मत को डैमेज कर देगा। तो असल में इसमें मेकअप ऑफ दी उम्मा और उसके बंदोबस्त को और मुल्क की सलामती को सेफ करने के लिए ये एक प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट है। तो हुक्मरान बुरा हो तो इंतज़ार कर लो, मर जाएगा। हमने 8 साल इंतज़ार किया, परवेज मुशर्रफ चला गया, अब चला गया, दफा हो गया। अब कोई ये लोग हैं अगर हम इनके खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दें कि चाहिए अपना उन लोगों ने जगह ली है, वो उससे बदतर हैं, तो हमें वो कहेंगे रुक जाओ, ये भी चले जाएंगे, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, इनकी कम है। मेरा ख्याल ये है कि इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि उम्मत की उम्र ज़्यादा होती है, वक्त ज़्यादा होता है और इनकी उम्र कम होती है, इंडिविजुअल की कम होती है। सो मगर सर ये तो हम इंतज़ार करते करते तो अब 60 साल गुजर गए, अगले आएंगे फिर हम इसी तरह इंतज़ार करेंगे। और 60 साल में अगर आप गौर करो तो कुछ अच्छे वक्त भी आएंगे, कुछ बुरे वक्त आएंगे, सारा वक्त एक जैसा नहीं गुजरा। मुझे याद है कि अयूब खान जब आया था तो मिठाई इतनी सस्ती हो गई थी, लोग नारे मारते थे, हम बाहर निकले और हमारा ख्याल था इतनी की होगी, तो उसने जब 5 रुपये कम लिए तो हैरत का समा था, एवरीबॉडी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। और अयूब खान के दौर, आप उसे डिक्टेटर का जो भी कह लो, आखिर तक उसके दौर को लोगों ने अप्रिशिएट किया था, कहा कि सिर्फ चीनी की वजह से रफड़ पड़ गया था। मगर जो भुट्टो साहब के ज़माने में इतनी बड़ी पोलराइजेशन हो चुकी थी कि बंदे लड़ रहे थे उस वक्त, थ्रू आउट दिस टाइम दे वर फाइटिंग, वो लड़ाई में ही चला गया लड़ाई में। अब आके हमें एक्यूट पेन का एहसास हुआ। मेरा ख्याल सब परवेज मुशर्रफ के ज़माने की अगर आप देखो ना, अच्छा था या बुरा था, मगर उसके अहद में हमें ज़्यादा जहनी कोफ्त हुई है। एक तो इलेक्टेड टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स का दूर कर दिया जाना, सेकेंडली आके फिर उससे भी बदतर माहौल क्रिएट कर दिया, तो लोगों की उम्मीदों पे तो आउस पड़ी, मगर पर्सनल कंडक्ट उसने, दूसरी बात यह कि शायद उसने कौम के साथ मजहबी मस्करापन भी शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे कवानीन की जिन वैल्यूज़ की वजह से लोगों में इस्तेहकाम था और अमन था, वो भी उसने छेड़नी शुरू कर दी। तो गालिबन दिस वॉज द मोस्ट अर्कसम पीरियड फॉर अ नेशन। अब वो क्या ये आ गए हैं, तो गालिबन अगर आप गौर करो तो बड़े काम तो इनसे नहीं ठीक हो रहे, जैसे महंगाई है, असूली ये वो है, मुझे दो चार जो अच्छे काम हो जाते हैं वो भी लोगों को सूद कर दे, चलो यार ये तो अच्छा कर दिए, चलो वो तो अच्छा कर दिए, तो एक किस्म की गो मगो की हालत है। अब लोगों का एतमाद है वो इनको बदलेंगे, लोगों की एतमाद है कि ये उस तरह फिक्स नहीं है जिस तरह पहला हुक्मरान था, उसको 8 साल आप उतार नहीं सकोगे, अब आपको एतमाद है कि आप इनको बदल लेंगे, चलो साल में 2 साल चीज है, जितनी मुद्दत है तो 4 साल 5 साल तो वेट ओनली फॉर 4 5 ईयर, जिसके दरमियान भी इलेक्शन दोबारा हो सकता, पहले ऐसा नहीं था, जिसके वजह से कोफ्त बहुत बढ़ गई। शायद दिस इज दी ओनली 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 बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा सर, ये जो आप हरूफ को देख रहे होते हैं, तो ये पाकिस्तान का जो नाम है, कभी इसके ऊपर हुआ कि ये नाम जो है, जो आपके पास नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर ये नाम सूट करता है या चेंज होना चाहिए था, या इसका कोई इफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर? सारी बुराई इसी के नाम की वजह से, अल्लाह के रसूल हमारा ज्यादा मुकद्दस नाम ना रखा करो। हाँ जी, वो हदीस असल में मेरे हाँ कहीं अच्छा पाकिस्तान पाक लोगों की जगह, मैं तो बोलता हूँ कितने खबीज लोगों की जगह, मगर बहरहाल हमने 60 बरस जो है इस जमीन को
भाई इसकी जमीन के बदतरीन आसार है, अल्लाह को आखिर कहीं ना कहीं तो रहम आ गया, चलो दफा करो हम लोग बुराई जो देखनी थी देख ली है। तो देयर इज ऑलवेज अ चेंज, अब चेंज आ रही है आई कब तक पाकिस्तान 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 उस तरह जैसे मदीना मुनव्वरा है, आपको दोनों का मतलब यही चाहिए पाक लोगों की जगह वो शुरू से पाक था, हजूर के जाने से पाक हुआ, उसकी अजमतें वो जब हजूर वहाँ हैं उसको नापाकी छू नहीं सकते, हम जाली पाक बाज थे हमें नापाकियाँ छू रही, उम्मीद है कि वक्त आएगा इंशाल्लाह हम असली पाकिस्तानी। जो साहब ये जो तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ सलासिल हैं, तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ जो सलासिल हैं उन लोगों को उनके साथ जो मुतल्लिक़ीन हैं उनको जब हम देखते हैं तो उनकी जो तरबियत है कैरेक्टर बिल्डिंग है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, तो क्या ये जो सलासिल हैं इन्होंने अपने किरदार को महदूद कर लिया है? सर आई पी टी डैम में है ही कुछ नहीं, ये खाली पूरी खोखा साजी है, अब ज़ाहिर है मतलब कुछ माल भी तो होना चाहिए ना, माल है कोई नहीं बीच में, दुकानदार बैठे हुए अब मतलब ये है कि सलासिल को ना तालीम की फिक्र है ना रुझान की फिक्र है, अकीदतों की फिक्र ज़रूर है, और अकीदत कभी भी मेरा ख्याल को नेचुरल ब्लॉक तो बनते नहीं है, एक दूसरे की मुखालफत है, एक सिलसिला कहेगा हम उस सिलसिले से बढ़ते हैं, यानी बाइनुल सिलसिलाती कश्मकश शुरू है और उसकी वजह से काफ़ी कुछ तो खून के सिलसिले भी निकलते हैं, और आज जहाँ तक मैंने देखा अभी तक बदकिस्मती है, आई कैन नॉट कॉल, हो सकता है मेरी अपनी जात ही कोताही हो, मुझे कोई बंदा मिला ना, मगर मैंने सलासिल में कोई साहिब नज़र देखा ही नहीं, अच्छी बात। तो उससे फिर इंस्टीट्यूशन जो है तसव्वुफ़ का वो डैमेज नहीं होगा? तसव्वुफ़ कभी भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे मजहब का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तसव्वुफ़ का भी कोई नहीं। ये तो नियात का नियात की स्पेशलाइजेशन है, ऑब्वियसली इसको इंस्टीट्यूशन के लिए हासिल भी नहीं किया जा सकता। फिर सूफी कौन होता है? सूफी कोई भी नहीं होता, सूफी वो बंदा है जो नॉर्मली जिसे आप समझते हो कि जो खुदा के लिए इखलास रखता है और पूरी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहता है, मगर जो मजबूर भी है कुछ वजह से, उसमें टीचिंग भी ये है कि शायद जो चीज़ मुझे अपने आप अपने तौर पे अपनी लिमिटेशंस ऑफ माइंड की वजह से समझ नहीं आती, मैं अपने से बेहतर किरदार से जा कर पूछ लेता हूँ, दैट्स ऑल बेस्ट। कोई भी जो जो इन चीज़ों को पूरा करो, अंग्रेज भी हो गए, हो सकता है किसी अशकाल पर मैं जमा हुआ मुझे किसी गलत आदमी से मिल जाए, आपने सैयद अजमेर को देखा तो वो फरमाते हैं मेरे दिल पे एक ऐसा इनकबाज था कि मैं इधर उधर बहुत से जगहों पर गया, मेरा इनकबाज हल नहीं हुआ, फिर जब मैं एक ऐसे दरवेशों के गुरु से मिला जो बिल्कुल जालसाज थे और खाने पीने वाले लोग थे, तो उन्होंने मुझ पर टॉन्टिंग की और मैं जानता था कि मैं असली हूँ और ये झूठे हैं, तो उसकी वजह से जो मुझ पर दबाव पड़ा मलामत का से मेरी गिरा कुशार हो गई, तो ये तो है कि कभी हो सकता किसी काफर से आपके दिल की गिरा कुशार हो, क्योंकि वो इल्म की तलाश में नहीं है आप हैं आप। सर ये जो आजकल हम देखते हैं कि एक रिवाज है तकफीर का कि हर कोई उठता है तो दूसरे को काफिर करार दे देता है, बड़ी बदकिस्मत है सर, तकफीर तो मैं उस वक्त तक जायज नहीं समझता जब आप जब तक आप दो सवाल किसी से ना कर लो, क्या खुदा को मानते हो, क्या खुदा के सिवा भी किसी को मानते हो, क्या अल्लाह एक है या दो है, अगर तीन सवालों के असबात में जवाब है कि अल्लाह एक है मैं उसी की इबादत करता हूँ तो उस पर कुफर का फतवा है, कादियानी भी किसको मानते हैं? हाँ मगर कादियानियों का मसला ये है कि उम्मत जहाँ अजमा हो वहाँ फर्ज की राय कम होती है, क्योंकि उनका फैसला अजमा ने किया हुआ है, अजमा जो है वो अगर किसी नक किसी कभी तबके या कबीले को पूरी उम्मत के ये एक मजबूरी दिल है जो किसी को खतरा जानता है गलत जानता है, वैसे भी उनको काफिर साबित करने के लिए बड़ा काम भी है, खवारिज की तरह है कि बड़े इबादत गुजार बड़े मुत्तकी बड़े इबादत गुजार थे, मगर अजमा है जमात मुस्लिमीन ने उन्हें अपने से खारिज कर दिया, इसी तरह ये खवारिज की तरह के एक हद में आते हैं कि अजमा ने इनको अपने अंदर से खारिज किया, ये मुसलमान
ذاتی طور پہ سر آپ کوئی گنجائش دیتے ہیں جی ذاتی طور پہ آپ کوئی گنجائش دیتے ذاتی طور پہ ان کو میں سب سے نالائق ترین اسکول سمجھتا ہوں کہ جن کا انتہائی لو انٹلیکچوئل لیول تھا اور جنہوں نے اپنا مجھے نہیں سمجھ آتی آنیسٹلی سوائے اس کے اغراض کے پابند لوگوں نے اسے اختیار کیا آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ایکٹ آف وزڈم ان دیم وزڈم تو بڑی دور کی بات ہے وہ ایک نارمل جو ہوتی نا آئی تھنک دیور یہ ایک قسم کا وہ کلاسیکل اسکالسٹک سا ہلکا پھلکا علم رکھنے والا اسکول تھا جس کو مذہب کے کسی اعلیٰ اغراض سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور جنہوں نے دنیاوی مراتب کے حصول پہ ساری اپنی عزت کا انحصار رکھا ہوا تھا انگریز نے ان کو پرومپٹ کیا عزت دی ترقی دی ان کے لوگوں کو انہوں نے آفیسز دیے اور رتبہ دیا لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیاوی وجاہت مذہبی صحت کا ایک ثبوت ہو سکتی ہے اس لیے کچھ لوگ مذہبی ہو گئے سر اگر آپ کی لائف پہ نظر ڈالی جائے تو کیا آپ مطمئن ہیں اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو آر سکسیزفل مین اور دوسری بات یہ ہے ہاؤ وڈ یو لائک ہسٹری ٹو ریمبر اس قسم کی تو میری کوئی خواہش نہیں ہے مجھے ایک خاتون محترم نے شاید ایک امبیسڈر کی خاتون خانہ نے انہوں نے کہا کہ کچھ لکھ جائے گی رہتی دنیا تک نام رہے گا تو مجھے دراصل بڑی تمسکرانہ سی ہنسی آئی تھی میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ بینک و موجوداڑوں میں ہڑپا میں کسی شاعر کا کلام یا کتاب نکلی ہے بھائی میرا مجھے کیا آپ مرے جگ پر لوگ آئی ہیو ٹو لیو دس ورلڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ ول ریمین آفٹر مگر سوائے وہ دل جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میرا مجھے اس قسم کی کسی خواہش سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں حیران ہوں بلکہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں گی میں بس سمجھتا تھا کہ کامسٹ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کہ یہ بڑے میٹر آف فیکٹ لوگ ہوتے ہیں میں اس قسم کے انکار کو پسند کرتا ہوں جس قسم کا کامسٹ انکار کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں چلو یک طرفہ تو ہے نا یہ جیسے میں ہوں میرے پاس خدا کے اعتبار کے سوا کوئی چارہ نہیں تو میں کامسٹ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کم از کم ایک انکار پر مسلسل قائم تھا اس میں بھی سوال تھا حوصلہ تو میں نے ماؤ زے تنگ کی ایک کتاب پڑھی جس میں اس کے آخری کچھ جملے اس طرح تھے کہ یہ میری ساری جد و جہد جو ہے اس لیے ہے کہ 1000 سال کے بعد کوئی قوم اگر کوئی بندہ گزرا مجھے دیکھے گا تو کہے گا اس نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے بہت بڑا کام کر دیا مجھے تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ یہ بیوقوف بھی رومینٹک نکلا میں اس کو رومینٹک ہیبٹ کہتا ہوں پیچھے نام چھوڑ دینا یہ کر دینا وہ کر دینا دس از کنٹینیوٹی آف اے ویری جسے کہتے ہیں مارمڈ رومینٹسزم ان مین جس دنیا نے نہیں رہنا جس بندوں نے نہیں رہنا جن قبروں نے نہیں رہنا جن مزاروں نے نہیں رہنا جس زمین نے نہیں رہنا اس پہ میں کیا نام نہیں چھوڑنے کی کوشش کروں ہاں شاید دو تھوڑی بہت کوشش میں کر رہا ہوں کہ یار آگے تھوڑی سی فیسلٹی مل جائے ٹریولنگ الاؤنس بھی ساتھ مل جائے تو آگے جا کر کو اچھا سا مکان مل جائے بس وہاں بھی ذرا گپ شپ ہوتی رہے میرا اس دنیا سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اور قائد اعظم جیسی بھی خواہش ہے جی وہ جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بیٹر دین یور جاب یس دس یو نو آئی ہیو ڈن مائی جاب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق آئی کمپلیٹ ان مائی بیسکس آئی ہیو ناٹ ڈن دیٹ جاب وچ گاڈ ہیز ریٹن مائی ہیڈ اینڈ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس بٹ آئی ہیو ڈن دیٹ جاب وچ واز سپوز ٹو بی ڈن بائی می اور جوانی سے میں فلسفہ ترجیحات کا قائل ہوں اور میں نے اپنی اولین تحقیق کو ڈھونڈنے اور طلب کرنے میں اپنا کام پورا کر لیا اس سے مجھے تسلی ہے کہ میں نے کم از کم ایک کام پورا کر لیا کہ میں خدا کو اپنی زندگی کی ترجیح یا فل مانتا ہوں اب ہوتا ہے مینٹیننس کی بات مینٹیننس کی بات میں آپ کو اس معنی ضرور سنا دوں گا جو میں نے پہلے شب ہی اللہ سے کیا تھا ایسے کسی اضطراب کی حالت میں کہ میں نے کوشش کی تھی میں نے کہا تھا اسے کہ جہاں تک اخلاص ہے میں آفر کروں گا جہاں تک میری بہترین مینٹل صلاحیتیں میں آپ کا اعتراف کروں گا
जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं आपको पहचानने की जद्दोजहद करूँगा, मगर मैं आपको मजबूती का दावेदार हूँ। सो आई एम नॉट लाइक दोज पीपल जिन्होंने इतनी सख्त मेहनतें की और इतना तशद्दुद किया अपने ऊपर और सेल्फ के ऊपर भी। हम लोग इस दुनिया के बासी हैं, ना हम अकेले हो सकते हैं, ना पहाड़ों में जा सकते हैं, ना बर्फ़ारों पर मुशक्कतें उठा सकते हैं, ना सहराओं की हिद्दत से आ सकते हैं। रहना इसी दुनिया में है, देखना इसी दुनिया को है। आई ट्राई टू बी एज मॉडरेट एज पॉसिबल बट आई कॉन्ट प्रामिस यू एनी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। वो मेरा ख्याल ये है कि मुआहदा अनुमन रजिस्टर्ड है और रिकॉर्डेड है, और मेरा ख्याल है हम दोनों जानब से इसका मुकम्मल एहतराम कर रहे हैं। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर अभी तक कायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ज़ात के बारे में तब से लेकर अब तक ऐसा कोई एक पार्टिकल जो साहिबा तक भी सुबह का मेरे दिल में पैदा नहीं हुआ। मैं बल्कि क्लेम नहीं करना चाहता, बट आई थिंक आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिलीवर इन द ट्रूथ ऑफ गॉड एंड आई हैव द आर्गुमेंट फॉर दैट। ये बाकी रहा इंसानी जो रस्म है, यह कि मैं मुकद्दस किसी को नहीं मान सकता और तकद्दस को मैं रहे तरीक नहीं मान सकता। मेरा ख्याल ये है कि कमजोरी ही तरीके शनाख्त। मेरा ख्याल ये है कि आपका देखो साहब, मैं जब वो सब कराटे को थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा था, उनको तो हार्डनेस इज नॉट, हार्डनेस इज नॉट दिरूट, पेल्पेबल सॉफ्टनेस विद हार्डनेस इज दिरूट, सॉफ्टनेस इज दिरूट। आप मसल को अकड़ा के उन्हें हार्ड करके एक मुक्का तो सख्त सा मार लोगे, मगर बाकी कामों के काबिल नहीं छोड़ोगे। सो यू हैव टू बी फ्लैक्सीबल। सो फ्लैक्सीबिलिटी में बाद अवकात आप बैलेंस के टूटने के करीब पहुँच जाए। आपने लकड़ी का गुड्डा देखा है, शुरू शुरू में आते थे वो लोग लेके एक तख्त ऊंचे से पेडस्टल के ऊपर लकड़ी का गुड्डा इधर उधर रोल करता था, वो काफ़ी नीचे आ जाता था, मगर पाँव नहीं छोड़ता था। I wish that people should stay moderate and flexible, मगर उनके पाँव अपने मकाम यकीन से उखड़ना चाहिए। That's what my idea of faith is, कि इंसानों की खता उन्हें अल्लाह से मायूस न करे, क्योंकि सबसे बड़ा जो अहमकाना तर्ज अमल हमारा है, आप अगर सोचो ना तो वो तमाम गुनाह जानवर करते हैं जो इंसानों में बड़े बेईमानी से समझे जाते हैं। तमाम आंखों के सामने खड़े होकर देखो तो आपको पता लगेगा कि तमाम जिंसी बदतरीन गुनाह जो इंसान समझता है वो शायद कुत्तों में और बिल्लियों में और मुर्गे मुर्गियों में पाए जाते हैं, आपकी आंखों के सामने होते हैं। व्हाई डोंट यू माइंड देम दैट? आपका क्या मतलब है जब एक मुर्गे को आप उसके बच्चों के दरमियान भी छोड़ दें, उसकी बेटियों के दरमियान भी, माओं के दरमियान भी छोड़ देते हो, तो क्या मतलब होता है? कि दे हैव द फ्रीडम एंड लाइसेंस टू डू एनीथिंग दे लाइक। इसी तरह जानवरों में आप कभी भी नहीं देखते कि ये इसका बेटा तो नहीं है जो जिससे हम इसका बच्चा लेने की कोशिश करें, बिकॉज वी नो दे नो नॉट। जो हमसे ऊपर बैठा हुआ है ही नोज वी नो नॉट। तो हम अपनी जितने महरूमी इल्म के गिला गुजार रहेंगे उतना करम अल्लाह का तारीफ की सूरत में आता है। And when we consider we are perfect, we are knowledgeable, we know everything, we have finished the gateways of the sea, incoming knowledge, we are dead. So I want you to be alive. To learn, to learn, to know, to see, to be alive. Emotion can never be long living. Just value nahi hota. Haan. एक इमोशन जिसकी बुनियाद, एक चीज जिसकी बुनियाद इमोशन पर, आई वॉन्ट दिस, दिस शुड माय इमोशन, बट व्हेन आई लुक फॉर इट, खुदा से बड़ा हकीकत पसंद कोई नहीं। वरना वो दुनिया की, इस बातिल दुनिया को, इस मसलूई दुनिया को जिसको सारे चीख चीख के कहते हैं मजहब वाले तसव्वुफ वाले, वो ये नहीं कहता, कहता सुभान रब्बना मा खलक्ता हाज़ा बातिला, मैंने इसको बातिल तख्लीक नहीं किया।
इसी से हकायक का पैटर्न निकलता है, इसी से मॉर्बिड रोमांटिसिज्म निकलता है, इसी से इमोशनल डाइवर्शन निकलते हैं। जमीन ही से हमने अल्लाह को एक इंतहा दर्जे का आला तरीन अक्ल व फहम के स्टैंडर्ड को उसमें कुछ उसकी एंट्री चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये थी क्या को खुदा की तरह नहीं हो, मगर खुदा चाहता कि कुछ ना कुछ हम उसकी तरह हो। एक तरफ आप कहते हैं कि एक्सरसाइज अस्मा को नहीं होना चाहिए, पिछले 8 साल में पूछता रहा उस वक्त आप मुझे वाजे तो आपने नहीं कहा लेकिन बिलाल के क्वेश्चन पे ख़ास तौर पे, तो आप ये हमेशा फरमाते हैं ठीक है 2-3 ऑप्शंस के किसी को तजस्स होता है इसलिए बात करते हैं, कोई इसे समझते हैं तो बात करते हैं, कोई कुछ समझते हैं कि हम जान गए हैं तो बात करते हैं, कभी आपने मना नहीं किया 1 साल पहले तक। मेरे रुझान में ना तो किसी कुव्वत का हुसूल था ना किसी स्पेशलिटी का। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो शायद बड़ी पर्सनल सी है कि शुरू में मैंने अकल्ट को बड़ा अच्छा पढ़ा, सारा अकल्ट पढ़ा, अकल्ट नॉलेजेस में मेरा हाल सेहर भी है और उसमें ये भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, लामाइज्म भी है, शामनिज्म भी है और करीबन करीबन तमाम वो हैरान कुन उलूम जो लोगों के लिए बड़ी हैरत का, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, तो सबको मैं बड़ी मेहनत से पढ़ने की कोशिश करता रहा, मगर एक चीज़ बड़ी डिससेटिस्फैक्ट्री थी इन तमाम उलूम में। एक तो इसके लिए किसी न किसी चीज़ का आसरा चाहिए, लेकिन ना अगर आपको कुछ भी करना है तो कुछ दूसरी चीज़ों को मिक्स करके करना होता है, कुछ आसरा चाहिए। सेकेंडली एक लॉ जो था बरतना बड़ा ज़रूरी था जिसका लॉ ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जिसे कहा जाता है कि आपको कुछ न कुछ बिलीफ सस्पेंड करना पड़ता था, जब तक आप क्रिटिकल एतबार सस्पेंड न करते आपको इन पर एतबार नहीं आता था। तो मैंने अकल्ट को बड़े गौर से देखा कि असल में इनमें सच्चाई बहुत महदूद है, पार्शियल है, टेम्परेरी है। ये हो सकता है कि 10 में से 2 बन रहे पामिश के पास जाए, 2 कहीं यार मेरे बारे में तो उसने ठीक कहा, मगर फिर चेक करेंगे तो उनके बारे में भी उसने ठीक नहीं कहा होता। क्योंकि ख्वाहिश होती है, अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊं और वो कह जी आप बड़े आप बाहर चले जाओगे तो मैं एकदम उस बात पे यकीन कर लेता हूँ जो मेरी मर्जी के मुताबिक, तो मैं वहाँ सस्पेंड करता हूँ डिसबिलीव में। उसे ये नहीं कहता यार तुझे कैसे पता है, कैसे जाऊँगा, क्यों जाऊँगा, मेरे तो कोई इसबाब नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मगर इनमें पार्शियल हुदूद को देखते हुए मुझे ऐसी सच्चाई की तलाश जरूर थी कि जिसमें मीडियम खत्म हो, जिसमें कोई चीज शामिल ना हो, कोई आसरा ना हो, कोई ऐसी सच्चाई कि जी मैं इफ आई एम अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स देन आई शुड बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि मैं इस चीज पे ना आसरा रखूं कि मैंने कोई हिसाब किताब करना है, ये करना, वो करना, आई शुड बी डायरेक्टली इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन इज। नंबर 2, इट शुड बी वेरी ट्रू एंड वेरी सर्टन। सेकेंडली, यानी उसमें मैंने एक अमकान गलती का रखा, वो मेरी अपनी गलती कि मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में मैं गलती कर सकता हूँ, मेरी अपनी को नहीं कोई मिक्सअप हो बाजू का इमोशंस की वजह से। इल्म गलत ना हो, उस्ताद गलत हो सकता। इन ऑल दी नॉलेज आर एक बड़ा पर्सनल रूल जो मैंने निकाला कि बाकी तमाम लोग जो हैं जो इस किस्म के इंसान से जूनियर हैं, आपकी विजडम उन्हें रंग देती है, आपकी जो फिलासत है उन उलूम को हकीकत का देती है जो असल में नहीं है। उसकी मिसाल आपको बता, यू सिंस आई यूज टू एक्सरसाइज लॉट ऑफ नॉलेज, तो एक दफा एक मौलवी साहब मेरे पास आ गए तो मैंने उनके सरापे में नजर डाली, इधर पिस्तौल लगा हुआ था, दैट वाज नॉट काम, ऊपर से पगड़ी बंधी हुई थी, तो मुझे कहने लगे जी हम बड़ी दूर से आए हैं और बड़ा ही नाम आपका सुना है तो आप हमारे बारे में कुछ बताएं। तो मैंने उसे कहा कि तुमने अगवा किया है, पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम डरते फिरते हो। वो झुका, उसने झुक के मेरे पाँव लिए, कहते जी जैसा सुना था वैसे पाया, अब ये बताएं किसका अगवा किया। मैंने कहा तुमने एक लड़का अगवा किया। उसके बाद समझो कि सारी रेजिस्टेंस खत्म हो।
अब अगर सच पूछो तो उसमें हाथ की लकीर का इतना दखल नहीं था। हाथ की लकीर सिर्फ बता रही थी कि मेंटली ये रोमांटिक और मॉर्बिड है, बस वो डिप्रेशन में जा रही थी, बन गया बस इतना सा था, बाकी उसके सरापे का दखल था। मैंने देखा कि मौलवी ने बंदूक बांधी हुई है, पिस्तौल लगी हुई है, ऊपर से ये लगता भी तेज थे और शरारती सा है, तो मैंने सुना दिया कि भाई तुमने अगवा किया। जब मैंने अगवा किया तो ठीक निकली बात, मुखालफत भी जाहिर अगवा के साथ होगी, बात कर रही था। फिर उसने पूछा किसका अगवा, तो मैंने कहा यार कितना बेवकूफ़ है, अगर लड़की का अगवा होता तो पूछने की क्या बात थी, जरूर इसने लड़का अगवा। तो मैंने वो कहा, वो भी 100% सही। तो मैं बाद में ये सोचा, मैंने ये सोचा कि देखो जी इसमें इल्म कितना था और फिरासत कितनी थी, हाली उस वक्त में रह रहे 19-20 का होगा। तो ये सारी बातों से मुझे, चूंकि मैं इनकी नौइयत को जान गया था, कल्ट की सारी नौइयत को सारा, कि मोस्ट प्रॉबली ये उलूम इतने नहीं होते जितने इंसान की अकल इनमें ऐड करते। मगर मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा इल्म चाहिए था जो सच्चाई में तो बिल्कुल परफेक्ट हो, जहाँ मैं गलती इस पे आया ना। जब मैं अस्मा पे आया तो इसके जब हैरान कुन मैंने देखे तो इनमें इतना बड़ा लिंकेज देखा, तो मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा इल्म बड़ा कम है। उसकी वजह आप देखो क्या है कि शतरंज में कितने मोहरे होते हैं, मूवमेंट्स कितने, मोर देन ए बिलियन। अस्मा बिल्कुल शतरंज के मोरों की तरह होते हैं। अब एक आदमी की एक बिलियन से ज्यादा अमकानात का सोचना कितना मुश्किल होता है, और आने वाहद ये भी नहीं कि ज्यादा। भाई प्रैक्टिस यू कैन ओनली गो नो वन थिंग, कि लोग महदूद हैं, अपनी ख्वाहिश और डिजायर में महदूद हैं। अब आप देखो, मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ जिसका कोई ताल्लुक जो है, कम से कम इसका ताल्लुक आपके फिरासत से है, और फिरासत ही रोल अदा करती है। एक PhD आज करते हैं जी अमेरिका से, जो पिछले महीने, वो मुझे कहते हैं कि जी आई डोंट बिलीव यू नो ऑल दीज थिंग्स। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, मैं अमेरिका से, ही वॉज कंसल्टेड इन साइकोलॉजी, उसके मुझे नहीं यकीन आता, तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं पूछने आया हूँ कि क्या शायद। तो वो मुझे कहने लगा कि ये तो किसी एबनॉर्मल सिचुएशन के तहत ये मुमकिन, नॉर्मल से मैं ये मुमकिन नहीं। तो मैंने कहा यार अभी हम दोनों बैठे हुए हैं, तू मुझे चेक कर ले, मैं तुझे चेक कर ले, नॉर्मल कौन है, एबनॉर्मल कौन है। इफ़ यू कुड पॉइंट आउट एन एबनॉर्मलिटी इन मी, मैं आई बी वेरी वेरी हैप्पी। मैं खुद तंग हूँ यार, क्योंकि एबनॉर्मल ही ना हो कि कुछ, तो अब बैठ जाते हैं। So we had a half an hour's talk. Half an hour ke baad wo hasne laga, kehta I'm sorry to say I don't see anything abnormal. Because maine kaha I see an abnormal. To bada pareshan hua, usne pucha kya, maine kaha yaar dekho tumne PhD ki hai na psychology mein. America mein ek hospital mein tum consultant ho. As a rule, as a normal, as a regular normality, I should have expected कि तुम इस पर मजीद रिसर्च करोगे, तुम मजीद मेहनत करोगे, तुम कोई किताब छोड़ जाओगे, तुम मुसलमान हो, थोड़ी सी मिल करके कोई नया रूल डिस्कवर कर लोगे बिहेवियरिज्म का, कॉन्डक्ट का, साइकोलॉजी में, जिससे तुम्हारी इज्जत होगी, मेरी इज्जत होगी, उम्मत मुसलिमा के एक साइंसदान की तरह तुम्हारी बहुत इज्जत होगी। मैंने कहा तुमने किया क्या है, मैंने कहा बजाय इसके कि तुम उधर जाते, तुम सियासत जैसी खराफात में घुसने का इरादा रखते हो, तुम लीडर बनने के लिए पाकिस्तान आ रहे हो। तो ही सेड हाउ यू नो दिस, हाउ डू यू नो दिस, मैं कहा नो दिस। तो उसने कहा दिस इज ट्रू, मैं इमरान खान से मिलने आया हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस इल्म में कोई कमी नहीं, बट आई कैन मेक मिस्टेक।
मेरा जो सवाल था वो नहीं हुआ। सवाल वही है ना, मैं बता रहा हूँ इसकी पॉसिबिलिटीज ये है, अमकानात ये है इतने ज्यादा। मैं ये सोच रहा हूँ यार तुम में से कौन है जो इतने अमकानात के लिए, ये इब्तदाई जिंदगी का होता है, अब बाकी सारी जिंदगी गुजार दो पढ़ने। आई कंसिडर यू एज समबडी हू रीड्स एंड स्टडीज, मगर क्या कच्चा पक्के नताइज पे पहुंचने के बाद एक डिसीशन देना, आधी दुनिया आपको गलत कहे उसके बाद आपको सच बोल दें, क्या ये वाइज है? Why not wait for a time when you can speak the right thing and you should speak the right thing? मैं ये कहता हूँ। हाँ तो सही है, लेकिन फिर भी मायार तो हमारे सामने नहीं है, मायार एडन है। किस वक्त हम इस पोजीशन में होंगे कि हम फैसला कर सकें अब हम? Well, unless and until you keep on asking the qualifications, आपको बहुत सारी अस्मा मिलती हैं, फर्ज करो आप हमसे कहते हो या बात सुनते जी आप पूछोगे जी इसका क्या माखज है, तो मैं आपको माखज बताता हूँ, आपको बताता हूँ यार यहाँ यहाँ से इस्तेमाल किया है ये होता है। सबसे बड़ा माखज कुरान है, मैं देखता हूँ यार कुरान ने इस लफ्ज़ को इतने मानों में इस्तेमाल किया है और अच्छे मानों में, और इस जगह कुरान ने इसको अच्छे मानों में इस्तेमाल किया या दुश्वारियों के लिए, तो मैं कम अज़ कम सबसे पहले वो असमा अलहदा करने की कोशिश करता हूँ कि किस इस्म को किस हाल में अल्लाह ने इस्तेमाल किया, किस कैफियत के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद में उसे जनरलिटी पर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ। हर इंडिविजुअल की शक्ल और सूरत से लेकर उसके छोटे छोटे एटीट्यूड्स को संभालता हूँ। सबसे बड़ी बात है एक और रवैये पे यकीन रखना। तमाम लोग जो हैं ड्राइंग रूम कल्चर का मुजाहरा करते हैं, दे शो यू व्हाट दे आर नॉट, यू हैव टू लुक फॉर एन ऑड चांस वेयर ही बिहेव्ड एज़ ही डज़। सर केगर वो एक है कि क़यामत के करीब उठा लिया जाएगा, जबकि अब कुर्बे क़यामत ही है, इसमें अभी एक ऐसे इल्म का खुदा जो है उसको एग्जिबिट कर रहा है जिसका के पीछे कई बरसों तक उसका यार उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल है कि कुरान की तालीमात जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा डाइग्रेशन वाक्य हुई है। बीच में बड़े इंसानी जहन ने बड़े कमालात हासिल किए, ग्रीक्स ने, रोमन्स ने, अलेक्जेंडर्स ने, ऐसी कौम हनूद यहूद ने बड़े बड़े आलम पैदा किए, साइंटिफिक रिसर्च शुरू हुई, तो इंसान का जहन है क्यूरियस, तो वो इनसे मुतासर होना शुरू हुआ, लॉजिक से, मंतक से, फलसफा से, हिकमत से, साइंस से, ये सारा मुतासर होना शुरू हुआ। तो उसके नए इंकशाफात ने उसको मौका नहीं दिया कि कुरान को साथ लेके चले, वो पीछे रह गया। हत्ता के जो इस वक्त बड़े बड़े नाम हैं जो फलसफा है, मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे हैरानी सी होती है कि Why didn't they consider Quran as the last word of wisdom and knowledge? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त के शवाहद कुरान की कुछ आयात के खिलाफ थे और उन्होंने उन शवाहद का दफा किया है कुरान को, और इसलिए अपनी एक्सप्लेनेशंस को इन्वर्टेडली अवर्ट कर गए, यानी मतलब कुछ और बनते थे, इन्होंने उसके कुछ और निकालने शुरू किए, जिसकी वजह से हम तक जो कुरान की तफासीर पहुँचे हैं उनमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है बल्कि डिफेंसिबल सारी आयात है। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ एक आज़ाद मुसलमान की हैसियत से तो मुझे तो हैरत होती है कि दुनिया में कोई ऐसा इल्म नहीं है या दुनिया में कोई ऐसा दानिश्वर नहीं है जिसे मैं कहूँ कि वो कुरान पे इतराज़ तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो दुनिया जो है कुरान की कुछ आयात के इन खुलने की मुंतज़िर है जो इंशाअल्लाह ताला अगले ज़मानों में खुलेंगे। एक बड़ी सादा सी बात थी, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आई कि इंसान जो है अव्वल कायनात की बात करता है आखिर कायनात की बात करता है, इंसान अव्वल हयात की बात करता है आखिर हयात की बात करता है, अल्लाह जो है इब्तदा दुनिया की बात करता है इंतहा दुनिया की बात करता है, पहले दिन की तख्लीक का जिक्र करता है आखिरी दिन की तबाही का जिक्र करता है, अला या अलम मा खलक, क्या बीच में वो बेखबर होगा? सवाल तो ये पैदा होता है। देखो ये सबसे बड़ी हैरत जो आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी हमाकत मुसलमान की ये है कि खुदा उनसे कम जानता है। आप कहो ना कहो आपका दिमाग ये कहता है कि बीच वाले याद इस वक्त जो अमेरिका में रिसर्च हो रही है अल्लाह को उसको नहीं पता, या ख्याल है कि ये नासा बहुत प्रोग्रेस कर गया अल्लाह जरा पीछे रह गया, या ये ख्याल कि ये रशियन जो है उन्होंने कम्युनिज्म का फलसफा देकर कमाल कर दिया अल्लाह को पता ही नहीं था,
یا میں یہ کہوں کہ جناب اپنے اس وقت جو میں اس وقت اس عالم میں ہوں کہ میں دین کو ذرا بہتر انٹرپریٹ کر سکوں اللہ نے کم کیا. یہ عجیب و غریب جیسے کہ دعوی. اب بڑے صغیر میں دیکھو ہر آدمی اٹھ کے تو اپنا دانا ہے, روزگار ہے, امیر جماعت ہے, اس جماعت کا, اس جماعت کا, انہوں نے اپنے طور پہ کچھ ڈھنگ دے دیے ہیں علمی طور پہ, دے ریجڈلی ان میں سے کچھ واپس آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. وہ واپس آتے ہیں ریجڈلی کہتے ہیں کہ جو ابتدائی فارم آف ریلیجن ہے ہم اس پہ قائم ہیں. کچھ لوگ انتہائی فارم آف ریلیجن کے قائل نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے آگے دین جاتا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ اسے آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں, پوری دین کو آؤٹ آف ڈیٹ. کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کو آگے چلانے کے لیے بےسود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دین اب اس زمانے میں محض ایک عقیدے کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے, پریکٹیکل لائف کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے. تو اتنے زیادہ دین پر اجتوا کے پہلو بلڈ ہو گئے ہیں اللہ کے دین میں. سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ باہر والوں کے نہیں مسلمانوں کے فیت کا حصہ. اس میں اب میں اپنے آپ کو بڑا فضول سا سمجھتا ہوں ان کے نزدیک. وہ میرا خیال یہ ہے کہ اتنی خوبصورت, اتنی واضح کتاب, اتنا شاندار علم, اتنا پروگریسو نالج, اتنی انتہا کی اپروچز. آئی ایم ناٹ کریزی اباؤٹ ٹیلنگ یو دیٹ آئی ریڈ سو مچ آف دی قرآن. اور یہ میں صرف یہ کہتا ہوں یار, ایک نارمل آدمی کو نارمل ترجمے سے جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے, وہ بھی آج سے 100 برس پرانا بھی ہو جائے دنیا اس سے بھی ایڈوانس ہے, اور تمام سائنسز سے ایڈوانس. ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھو ابھی بھی تک آپ کا اعتقاد یہ کہتا ہے. اور دیکھو نا, دو ایک رسولتوں کے حوالے سے بتاؤں گا. ہم لوگ ابھی تک ایک کائنات کی ابتدا میں بیٹھے ہوئے سکڑ رہے ہیں, سردی لگ رہی ہے ہمیں, کائنات بڑی ٹھنڈی ہے, داخلے کی اجازت کوئی نہیں ہے, نت نئے قانون نکلے, بلینز اینڈ ٹریلینز آف اسٹار ہمارے ارد گرد ہمارے آسیب پہ چھائے ہوئے ہیں, اس میں ہماری معمولی سی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ تارے پوری بھی زندگی گزر جائے تو ہم نے اس کائنات سے کچھ بھی نہیں حاصل کرنا, کچھ بھی نہیں. یہ ایک کائنات ہے, اور قرآن میں وہ کہہ رہے ایسی تو 7 زمین ہیں, 7 کائنات ہیں. تو پھر آپ اس عظمت اور اپنی حکارت کو کہاں ایڈجسٹ کرو گے؟ سیکنڈلی وہ آج بھی کہہ رہا ہے اٹھاؤ قرآن آپ کو کہ یہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں, یہ تو چل رہے ہیں. بھیا تمر ہمارا صاحب سرمائی بادلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں بھاگ. اب مجھے یہ بتاؤ, سائنس ثابت کر چکی ہے کہ پہاڑ چل رہے ہیں یا پہاڑ بھاگ رہے ہیں, مگر آپ اپنی زندگیوں میں ذرا جا کے ایک سروے لے جانا اور ان سے پوچھنا کہ بتاؤ ہاں پہاڑ کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں, تو آپ کو 100% کا جواب ملے گا کھڑے ہیں. 100% یہ کہیں گے کھڑے. اب بتاؤ جو آج کا آدمی ہے اس کے نزدیک جب یہ آیت پڑھو گے نا کہ ہے تمہارا مر صاحب, تو کہیں گے اس کا مطلب قیامت کے دن چلیں گے. آپ تفاصیل اٹھا کے دیں, ابھی اس عقل کو آدمی کہاں لے گیا؟ This is sheer non-adjustable understanding of the Muslim with the ayah of Quran. ان کو دیکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ شاید اگلے زمانوں میں قرآن واقعی اٹھا لیا جائے. اس میں یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ علماء دین جو ہیں اور دین کے ساتھ جو اٹیچڈ لوگ ہیں, ان کا حکمرانوں کے قریب جانا یا قریب رہنا یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر حکمرانوں کو کون بتائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا؟ سروردیہ شیوخ نے گنجائش نکالی تھی تصوف میں بھی, وہ بادشاہوں کے ساتھ بھی رہتے تھے. بادشاہوں میں بھی فرق ہوتا ہے, فار ایگزامپل کوئی تھوڑے بہت عبادت گزار نیک لوگ ہوں جو علم کو پسند کرتے ہوں یا عالمانہ بادشاہ سنتے ہوں یا ان کو بھی شوق ہو حصول علم کا, تو ان کے ساتھ تو شاید انٹریکشن اتنا برا نہیں ہے, مگر عموماً جو ہے علم کی رسوائی ہوتی ہے اس میچ میں. اور بہتر یہ ہے کہ صاحبان علم کو دور ہی رہنا چاہیے, بلکہ اصولاً ہے فار ایگزامپل آج کا ایک کوئی نواز شریف ہے یا کوئی گیلانی صاحب ہے, تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے پولیٹیکل مظاہرے کے لیے ان گلیوں میں بھی گھس جاتے ہیں یا کوئی نہیں گھستا. اگر کسی گوالے کی بھینس مر گئی ہے تو فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں, اور اگر اوپر یا کسی آدمی کی چھت گر پڑی ہے تو جناب چیف منسٹر پہنچے ہوئے ہوں گے وہاں پر. تو آخر ان کو سوچنا یہ ہے کہ وہ سارے کام تو اس لیے کرتے ہیں کہ ذاتی اشتہا کے لیے, ارتجا کے لیے,
पॉलिटिकल असरात के लिए या मैक्सिमम बेनिफिट दे दो कि चलो जी अपने अपने आप को अच्छा हुक्मरान साबित करने के लिए, तो अहले इल्म के पास जाने में उनकी कौन सी गुमराही का एहसास पैदा हो। असूलन तो चाहिए कि वो ज़्यादा इंतसार के साथ अहले इल्म के पास जाएं, अगर नहीं जाते तो वो जाने में, तो फिर अहले इल्म का ये रवैया नहीं होना चाहिए कि चूंकि हमारे पास नहीं होते इसलिए हम इनके पास चले जाएँ इल्म सिखा दिए। मेरा तो ख्याल है किसी तालिबान किसी साहब इक्तदार का इंतजार करना अहले इल्म के लिए ज़हर क़ातिल है।